हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ सचिन जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बार सीएसआर क्लियर किया है 99.7% के साथ। ये आज अपने सभी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक। थैंक यू मैम। सचिन, आप बताना चाहेंगे कि आपकी क्या परसेंटाइल थी, कितने मार्क्स थे, कितनी रैंक थी और आपकी शिफ्ट कौन सी थी? यस मैम, मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट, और मेरे जो रो स्कोर था वो 125 था, और परसेंटाइल जो था वो 99.7085 बन था, और रैंक ऑल इंडिया रैंक 75 था। अरे वाह सचिन। तो सचिन, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी एमएससी कर ली है या फिर नहीं की है, कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, ये सब बताना चाहोगे? यस मैम, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैंने जो अपनी मास्टर्स है वो 2022 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के मेन कैंपस से की थी, एनएससी बोटनी के अंदर। और अभी जो मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है एक्चुअली। थर्ड अटेम्प्ट है ये आपका? अरे वाह। सो अभी आप प्रिपरेशन ही कर रहे थे सिर्फ सीएसआईआर के, उससे उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे थे? अच्छा, नहीं मैम, मैं एसएससी और सीडीएस की तैयारी कर रहा था इस बीच में। आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे, तो आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा नहीं मैम, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी एक्चुअली, आपको बताना चाहूँगा। हाँ मैंने जब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जून 2022 वाला, तो उसमें अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मेरा हुआ नहीं उस टाइम। तो मैंने सोचा भी एक बार अपने को और ट्राई करना है ढंग से। हाँ तो जो मर्स साइकिल वाला था अपने जून 2023 वाला, भी जून में जो हुआ था उसकी मैंने मतलब लगन से तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। हाँ लेकिन इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा निराशा हो गई मेरे को। तो मैंने ये सोचा कि कभी अपने को सीएसआर का फॉर्म भी नहीं भरना है, अच्छा और इस हाँ तो मैंने एकदम से ठान लिया था कि कभी अपने को नेट का पेपर देना ही नहीं। इसी वजह से मैंने सीडीएस और एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिया मतलब। लेकिन मेरे टीचर ने कहा कि एक बार तूने अगर तैयारी अच्छी की है तो तू पेपर तो दे के देख ले, क्या पता हो जाए कि नहीं होगी, वो आगे की बात होगी। तो डेफिनेटली। इसलिए जो मैंने फॉर्म जो था वो 4 दिसंबर को भरा था, और तैयारी जो थी मैंने सिर्फ 20 दिन करके गया हूँ अपनी बार। अच्छा, पर आपकी जो पहली की तैयारी थी वो आपके दिमाग में इतनी अच्छे से थी, वो शायद आपको हेल्प हाँ कर गई बहुत अच्छे से। बिल्कुल 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 मैम, यही हुआ अपनी बार। सचिन, वैसे तो आपने 20 दिन की तैयारी की थी, पर पहले जो आपने तैयारी की उसमें आपने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी? यस मैम, उसमें मैंने लगभग 8 यूनिट जो थी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था, जैसे बायोकेम हो गया, सेल बायो हो गया, मोल बायो हो गया, अपनी जो चौथी यूनिट है सेल सिग्नलिंग वाली, अपनी जो डेप बायो है, और क्योंकि बोटनी से मेरा बैकग्राउंड था इसलिए हाँ, छठी यूनिट जो है अपनी वो प्लांट मैंने फिजियोलॉजी। की थी, और जेनेटिक्स तो जो थी वो मैंने थैंकफुल टू यू आपसे की थी, सारे वीडियो देख के मैंने, थैंक यू। और इकोलॉजी थी वो पूरी मैंने पाथफाइंडर से की थी, नोट्स नहीं पाथफाइंडर बनाए लेकिन पाथफाइंडर से बिल्कुल उसको प्रॉपर वे में पढ़ा था बस। और बाकी सारी जो यूनिट्स थी वो आपने नहीं, टच भी नहीं की थी, या कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे? अच्छा, नहीं मैम, सिर्फ ऊपर सरफेस सरफेस से मैंने पढ़ा था, बेसिक बेसिक उसका, ज्यादा उसको मतलब इतना। सचिन, आपने अभी बात की तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो बंसल बायोलॉजी के वीडियोस थे वो आपको कितना हेल्प किए थे आपकी तैयारी में, और वो आपको एग्जाम में भी हेल्प हुए थे क्या, ये मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्योंकि फ्री कंटेंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट का हक है फ्री कंटेंट के ऊपर, तो वो जितना ज्यादा हो सके मैं डालती भी हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कितना लगा आपको इंपॉर्टेंट? आपके मैम पढ़ाए हुए से अब की बार 24 नंबर का मेरा हुआ है, आपको बताना अरे चाहूँ तो मैं अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात के कि आपका 24 मार्क्स बहुत बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल आपको हाँ मैं बताना चाहूँ, जो आपने ये टेट्राड एनालिसिस पे आपका जो रिसर्च है ना वो मतलब पूरी यूट्यूब पे गई नहीं है। अरे सो स्वीट, तो मैंने थैंक यू सो मच। टेट्राड एनालिसिस आपसे किया था मैंने, एक तो एक हाँ जीपीसीआर जो अपनी पढ़ते हैं अपने जो आई के अंदर जो रोड सेल्स होती है वो हाँ वाला आपसे किया था मैंने, एक मैंने जो आपका वीडियो देखा था सेंटर टेंडेंसी का, 13 यूनिट में जो आप पढ़ाते हैं वो मैंने अच्छा किया अच्छा था, ओके। और एक जो अपने जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, आपने जो जीन सिक्वेंसिंग पढ़ाया था हमें, वो मतलब ऐसे जो टॉपिक थे मतलब 4-5 इतने मतलब वो सेम के सेम अब की बार आगे हाँ जी, हाँ जी, तीन क्वेश्चन, तीन तो सी पार्ट में आ गए, एक दो ए पार्ट में भी आया था सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन वाला, और एक एक दो क्वेश्चन पार्ट में भी आ गया था, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मैम।
चलिए, मुझे खुशी है कि इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है YouTube से, और अपकमिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा सचिन, आपकी जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी लंबी रही, जैसे आपने बोला आपने थोड़ी लंबी टाइम के लिए की, तो आपने इन सब चीज़ों के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी? यस मैम, आपको अगर बताना चाहूँ मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलिंजर 7th एडिशन हाँ, और सेल बायो के लिए 8th एडिशन जो कूपर का है, अच्छा और मोल बायो के लिए जो बेंजामिन बुक है, अच्छा और डे बायो के लिए जो गिलबर्ट बुक है अपनी, ओके, और डेफिनेटली प्लांट फिजियो के लिए जो टाइज एंड जिगर की 4th एडिशन वाला है वो था मेरे पास। और थोड़ा बहुत अगर एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो एंडरसन का जो 4th एडिशन था वो मैंने किया था, ओके ओके ओके, और जेनेटिक्स तो मैम आपसे पूरी पढ़ी थी, मैं उसको कुछ देखा ही नहीं मैंने। PYQ, MCQ, सेट एग्जाम के, BHU, JNU के एग्जाम के ही मतलब सारे किए थे, और जो इको थी इवोल्यूशन था वो मैंने पूरा पाथफाइंडर से किया था, यानी प्रेफरेंस बुक भी मैंने यूज की थी मैम साथ में। सो सचिन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, तो मतलब कैसे समझ में आता था कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते थे? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक अपने आप में थोड़ी सी टफ है और बहुत बड़ी बुक है, मोटी बुक है, तो कैसे समझ में आता था कि कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है, समझ कैसे आती थी चीजें? देखिए मैम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया अभी मेरे को ये मेरे से नहीं बन पाएगा, तो पहले आप स्टैंडर्ड बुक या पाथफाइंडर मत उठाओ, आप पहले अपने नोट्स उठाओ, नोट्स पढ़ो 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब आपसे हो रहा है क्या? अगर वो क्वेश्चन अभी भी आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि आपने उसको सरफेस से बड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है आपको। फिर आप पाथफाइंडर उठाओ, पाथफाइंडर पढ़ने के बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कंक्लूजन यही निकला कि आपने मिड से पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको। अब आप क्या करो, रेफरेंस उठाओ, यानी पूरा अगर ग्रंथ पढ़ लिया ना जिसने रेफरेंस से, फिर भी वो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन समझा नहीं है चीज़। तो फिर आप जो है वीडियोस पे हो, तो इससे क्या है कि आपने क्वेश्चन को है ना पढ़ा नहीं है, निकाला है आंसर अपना, तो वही चीज़ आप वहां पे काम आएगी। सॉफ्टवेयर तो का भी ऐसे है लगता नहीं, है। हाँ जी, बोलिए। हाँ 800 1000 पेजों की जो बुक होती है वो आप पढ़ नहीं सकते मैम, आप भी जानते हो, डेफिनेटली लेकिन अगर आपका पहले से क्लियर है ना, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो चीजों को, कि पहले अपने नोट्स को देख रहे हो, फिर अपने पाथफाइंडर को देख रहे हो, फिर अपने मतलब रेफरेंस बुक उठा रहे हो, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको, अरे वाह, तो ये मैंने फॉलो किया था। चलिए, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आपने बहुत मेहनत की है। प्रिपरेशन आपने सब प्रिपरेशन नहीं किया, आपने मेहनत वाली प्रिपरेशन की है, इसको सच में मेहनत वाली प्रिपरेशन हाँ कहेंगे कि बहुत मेहनत की है। तो सचिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा अभी कि शुरुआत में आपने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स कैसे आपने बनाए थे? नोट्स ये है कि मैम पाथफाइंडर जो है, पाथफाइंडर से मैंने पूरा किया कि पहले देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैं एक चीज आपको एक और बताना चाहूंगा कि जो मेरे जो जूनियर्स हैं जो मेरे साथ के BSc में पढ़ते हैं वो भी मेरे से पूछते हैं भाई तूने 20 दिन में कैसे निकाल लिया, या फिर कैसे तूने मतलब पाथफाइंडर से कैसे निकाल दिया, अपने को तो ऑफलाइन करनी पड़ती है या ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो मैंने उनको एक चीज बताई थी भाई, आपने जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि आपने ग्लाइकोलिसिस 11वीं क्लास में भी पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ा, आपने BST 1st ईयर में भी पढ़ा, आपने 2nd ईयर में भी पढ़ा, 3rd ईयर में भी पढ़ा, अगर आप MSc जूलॉजी से करते हो, बॉटनी से करते हो, बायोटेक से करते हो, कहीं से भी कर लो, कोई सिस्टम से कर लो, आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो क्या वो नेट पूछता है क्या? चीज़ वो है, यानी आपका ज्ञान उस लेवल का होना चाहिए कि मतलब आपको ईगो नहीं लेने की मेरे को क्या आता है, भी उस लेवल का करना है। तो पहले आप PYQ सोल्व करो कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो क्या उस लेवल का है क्या, हाँ जी, तो फिर उसको मतलब पाथफाइंडर से पढ़ो। मतलब मैंने साथ साथ किया कि शॉर्ट नोट्स और अपने नोट्स बनाता चला गया, पाथफाइंडर उसको उसको क्या कवर करता चला गया। सो मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, और उसके बाद आपने यस अपना मैम, प्रिपरेशन जो है वो यस बहुत अच्छे से किया। सचिन, मैं आपसे ये हाँ पूछना चाहूंगी कि कॉलेज ड्यूरेशन में आप अपने आप को कैसा स्टूडेंट मानेंगे, मतलब एवरेज मानेंगे, ताकि बच्चों को पता लग सके कि मतलब उनको किस तरीके की मेहनत करनी है, तो वो आपसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो आप अपने आप को कॉलेज टाइम में कैसा स्टूडेंट बताएंगे? जी मैम, एवरेज ही था लेकिन पढ़ता रहता था, लेकिन क्या है कि जब तक आपको आसपास कंपटीशन का माहौल नहीं मिलेगा ना, जैसे मैंने अपनी जो बैचलर था BSc जो थी वही यहाँ से नॉर्थ से की थी, NDB गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ पे मुझको ये भी नहीं पता था कि नेट होता क्या है। देखिए सही बताऊँ मैं आपको, हाँ जी, हाँ जी,
जब तक आपको क्या है कि आपके सराउंडिंग जो माहौल है ना उसके हिसाब से करना पड़ता है। अभी नेट क्या होता है, साथ वाले पढ़ रहे हैं, अपने को भी पढ़ना है उस हिसाब से। तो बीएससी तक तो मैम मेरा तो कोई इरादा नहीं था मतलब नेट करने का, लेकिन आप भी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्या है माहौल जानते हो, वहाँ पे जाके पता चलता है भी जैसे प्रोफेसर अपने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे वहाँ पे मतलब हर जगह के आते हैं, तो वहाँ से जाके मतलब थोड़ा सा मेरे को गाइडेंस मिल गई टीचरों की प्रोफेसर की कि आपको इस तरह से आपको टारगेट करना है ये चीज़ें। मैं आपको बताऊँ जब मेरा एमएससी में इसलिए मतलब एडमिशन हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तो प्रोफेसर ने पूछा था तेरे को करना क्या है, मैं सर मेरे को नेट करना है, मेरे को नेट नहीं तेरे को जेआरएफ ही करना है, मैं सर जेआरएफ क्या चीज़ होती है मेरे को अरे पता ही नहीं। अरे सो आपने मेरे को कहा, ये चीज हाँ हाँ बताइए। सही नहीं था मेरे को, तो बाद बाद क्या है कि धीरे धीरे गाइडेंस मिलती रही मैम, और कंपटीशन का क्या है कि साथ वाले पढ़ते रहते हैं ना तो ये मन हो जाता है कि भाई ये पढ़ रहे हैं, ये इनका नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है, तो अपने को भी लेना है। देखो सीधी सी अच्छा बात यही। सौ पूछा, ये बताओ कि क्या आपको ये जो 8 यूनिट है इस पूरे पैटर्न में कितने महीने लगे थे कवर करने में, ये 8 यूनिट्स को आपको? आपको सही बताऊं मैम, जो इकोलॉजी मैंने पाथफाइंडर से पढ़ी थी हाँ शुरुआत में पढ़ने में मेरे को कम से कम 3.5 4 महीने लग गए, लेकिन अच्छा आप भी यकीन नहीं करोगे, जब एक दिन में मैं 3 बार जब मैंने 3.5 महीने मतलब कवर कर लिया एक बार उसको, हाँ फिर एक दिन में 3 बार रिवीजन करता था मैं उसको, अच्छा ओके तो थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब 5 6 महीनों में आपका धीरे धीरे 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ोगे तो मतलब कवर हो जाएगी चीजें। लेकिन साथ साथ क्या है कि जितना आप पढ़ोगे ना साथ साथ आपको क्या है कि उसकी प्रैक्टिस साथ साथ उसका रिवीजन करना पड़ेगा, वरना आपका फिर चाहे 8 कर लो चाहे 5 कर लो एक बराबर ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये मैंने आपसे दो बातें मैं एक बोल सकती हूँ कि पहली बात तो पेशेंस, आपने बोला हाँ 3.5 महीने आपने इतना पढ़ा, तो इसके लिए पेशेंस कहाँ से लाया, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, इतना पेशेंस नहीं होता है, मतलब इट्स इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, सो इतना पेशेंस कहाँ से आया सचिन? जज्बा था कि करना ही है? बस वो क्या है कि साथ वालों को जब होने लग जाए ना मैम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई अपना भी होना चाहिए, अपना भी बात होना वही चाहिए, है बस। सही है। तो आप मुझे बता सकते हो ऑन एन एवरेज आपको हर यूनिट के लिए कितना टाइम लगा था? जैसे ऑन एन एवरेज अगर आप मुझे बता पाओ तो स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज बताऊं मैम 1 1.5 महीना, अगर आप 1 2 1 2 महीना अगर आप ढंग से करो ना चीजें, तो हाँ ये हाँ नहीं है कि भाई ये भी कर लें वो भी कर लें, आप अच्छा वो देखो कि किस तरह से पैटर्न क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं अपने, तो पहले वो चीज कर लोगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा अपने आप से, ओके या तो आपको 3 4 महीने लगेंगे या फिर आप 1 1.5 महीनों में मतलब उस लेवल का कर लोगे जितना आप 3 4 महीनों में नहीं कर सकते। या तो तो आप कर पहले क्या है कि हाँ बोलिए। पहले क्या है कि आप उस चीज को भांप लो मतलब कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, देखो आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको मतलब हर एक लेवल पे खुद को क्या है कि डेवलप करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीधी सी बात वही। डेफिनेटली डेफिनेटली सचिन। सो सचिन, आपने रिवीजन के लिए जैसे आपने बताया कि एक दिन में आप इवोल्यूशन को, इकोलॉजी को रिवाइज करते थे, तो आप बाकी के यूनिट्स को कैसे रिवाइज करते थे? क्या आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी रहती थी? रिवीजन यही है कि मैम अगजन है वो यही है कि आप अगर आज के एक पन्ना पढ़े मतलब एक पेजेस पढ़े एक लाइन भी पढ़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब आप दूसरे दिन आप स्टार्ट करेंगे मतलब प्रिपरेशन को, तो सबसे पहले वो चीज़ कवर करनी पड़ेगी, वरना ये नहीं कि आज आपने जो चीज़ पढ़ी उसको आप 15 या 20 दिन पढ़ रहे हो बाद में पढ़ रहे हो या 1 महीने बाद में पढ़ रहे हो, तो फिर वो नया पुराना एक बराबर ही है। देखो तो डेफिनेटली मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी ना, मैं आज पढ़ रहा हूँ उसको अगले दिन या उसके एक दिन ही मतलब एक मैक्सिमम और मिनिमम लाइन मैंने कर ली थी कि भाई 3 दिनों के अंदर अंदर मेरे को ये चीज़ के जो है वो कवर अप करनी है, तो ताकि आगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको क्या है इंटरकनेक्टेड कर पाऊँ अपने हिसाब से, जी तो ये जी स्ट्रेटेजी थी मैं। ओके और जब आपने एग्जाम इस बार दिया था सचिन, तो उसमें आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई थी? कौन सा सेक्शन पहले किया था, कौन सा बाद में किया था? तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि मैंने 20 दिन में किया था, तो सबसे पहले जैसे 4 दिसंबर को मैंने फॉर्म भरा तो मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया आपकी बार, आपकी बार मैंने रफ कॉपी उठाई उसका एक पेज फाड़ा और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो गलतियां मैंने एग्जाम हॉल में की, मतलब आप पढ़ के कितना भी चले जाओ लेकिन अगर आप 3 घंटे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए ना खुद को, मतलब जो आते हुए क्वेश्चन है गलत कर दिए, तो फिर वो एक बराबर ही है। देखो तो मैंने डेफिनेटली सारी जो गलतियां थी वो उस पेजे पे लिखी,
जितनी भी मतलब मेरे को इम्प्रूव करना है भी ए पार्ट में मेरे को कैसे कवर अप करना है, क्योंकि मैं एसएससी और सीडीएस की तैयारी कर रहा था तो वो ठीक हो गया था मेरा पार्ट। बी पार्ट में मैंने जो लिख रखा है पाथफाइंडर बुक्स में अपने हाथों से जो नोट्स मैंने बना रखे हैं तो उनको बार बार रिवाइज करना है, और क्वेश्चन आए या नहीं आए, जो क्वेश्चन मेरे को 99% आ रहा है वो मैं पहले अटेम्प्ट नहीं करूंगा, जो मेरे को 100% आ रहा है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करूंगा, फिर ऐसे लग रहा है कि थोड़े से कम रहेगी क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो फिर उनमें रिस्क लेना है। तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, और आपको बताऊं जो पाथफाइंडर बुक्स और नोट्स थे मैंने तो थैले में डाल के उनको अलमारी में रख दिया था, तो अच्छा 5 तारीख को मैं 5 तारीख को मैं लेके आया उनको सबको खोले, और फिर उसको क्या कि बार 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 बार, ऐसे नहीं कि मतलब एक दो दिन के बाद में उनको पढ़ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा 5 तारीख को, तो 6 घंटे के बाद में मैंने दोबारा उसको पढ़ लिया, फिर 3 घंटे में दोबारा उसको पढ़ लिया, तो इस तरह से 20-21 दिन में जैसे तैयारी की थी मैंने अब की बार। और वही ओके सेम के आपको एक और बताऊं मैं कि एग्जाम हॉल के अंदर एक जो एक्सपीरियंस था मेरा कि सी पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन किए थे, और सी पार्ट में जब मैं 68 नंबर क्वेश्चन पे था तब तो मेरे ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके थे, तो 5 और ओके अटेम्प्ट करने थे, तो इसके लिए यानी 7 क्वेश्चन और बचे थे सी पार्ट में 68 से अगर 70, तो मैं तो खुद पे ये कर रहा था भाई अपना जो पढ़ा है वो आएगा आएगा आएगा, तो 68 से 75 के बीच में मैंने जब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो पांचों के चीज़ है बताना चाहूंगा मैं सबको कि भी आप खुद पे धैर्य रखो, भी क्वेश्चन जो पढ़ के जा पाएंगे लेकिन थोड़ा सा क्या आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको थोड़ा सा क्या कि अपने खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल धैर्य रखा, मतलब ये बहुत धैर्य की बात है कि 68 जब आप क्वेश्चन पे थे, मतलब इंसान हकबका जाता है कि 75 आने वाला है, 68 क्वेश्चन पे हूँ मैं, 5 बाकी है मेरे पर। सच में आपके धैर्य की बात देनी पड़ेगी सचिन, आप फ्यूचर आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है, आपका इतना धैर्य है तो मेरे को ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आपके जीवन बहुत अच्छा रहेगा इतने धैर्य के साथ। और मैम जो 75 नंबर क्वेश्चन था वो आपका टेट्रा एनालिसिस वाला ही था। अच्छा टेट्राएनालिसिस वाले ही तारे वहां। मुझे ऐसा हाँ लग रहा है कि आपको चेहरा, मतलब मेरा चेहरा या यूट्यूब जो मेरा चैनल है वो शायद आपको एग्जाम हॉल में दिख रहा होगा कि अरे यार ये बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। खुशी है सचिन। सचिन इसके अलावा अब आपका क्या प्लान है? अब पीएचडी करने का ही प्लान है, मन है पीएचडी का ही? मेरा कोई रिसर्च में मैम इंटरेस्ट ही नहीं था कभी से, अच्छा लेकिन ये कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट था कि सब लोगों का होने लग गया तो भाई अपने भी नेट जीरो क्वालिफाइड लगा लें, वरना अच्छा फिर क्या सीधी एमएससी का कोई फायदा नहीं है, देखिए या तो बिल्कुल नेट या साथ में जेआरएफ हो, वो आगे की बात है कि आप किस लैंड में चूज करना चाहते हैं, लेकिन मेरा अभी थोड़ा सा क्या डिफेंस और टीचिंग लाइन ही है दोनों, उसके तीसरी तीसरा जी जी कोई जी मेरा वो। और सचिन जो स्टूडेंट्स इस बार प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको आप कुछ अगर बताएं चाहे एज अ सीनियर के तौर पे आप उन्हें कुछ हेल्प करना चाहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जूनियर सीनियर्स को देखते हैं, तो आप कुछ उन्हें बताना बिल्कुल चाहे गाइड करना चाहे। उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम, देखिए कि आप ये अगर ये सोच के चलें कि भी मैं 8 घंटे की जगह आपकी बार 16 घंटे पढ़ लूंगा हाँ तो ये जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा वही रिपीट होने वाला है। देखो मेन जो चीज है वो है 3 घंटे एग्जाम हॉल, उसके उसमें जब आप बैठते हो जब आपके ऊपर प्रेशर आता है उसको आप कैसे हैंडल करते हो, जिस क्वेश्चन में आपको 5 मिनट देने होते हैं वहां पे अगर आप 15 मिनट दे रहे हो या 10 मिनट दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। देखो तो यानी मेन जो चीज है वो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपकी रीडिंग स्किल, यानी आपने क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना फिर ऑप्शन देखना, अगर आप रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपके अंदर है तो आप नहीं आते क्वेश्चन को भी सही कर दोगे, और अगर ये चीजें आपके ज्ञान बहुत है कि आप ये सोचो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा तो आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लोगे करेक्ट इनकरेक्ट को करेक्ट करेक्ट पढ़ लो, तो चीज वो है कि आप मेन जो फोकस है वो अपना 3 घंटे पे फोकस करो खुद, मतलब चिल होके जाओ उस दिन, कोई पूछे कि क्या करने क्या देने जा रहे हो तो बोले कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो बिल्कुल जितना फोकस मतलब चिल रहोगे उतना ही आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मतलब उतना ही आसान हो जाएगा। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं मेरे जो साथ में बीएससी में पढ़ते थे उनसे कई कई जनों से मेरी बात हुई थी आज, तो वो ये कह रहे हैं कि कईयों के 21 रो मार्क्स आ रहे हैं, उनके 40 शायद 40% या 50% आ रहे हैं, कईयों के 91 थोड़े से पॉइंट्स में रह गए, आपने देखा कि जैसे यूआर की जो कैटेगरी है तो 99.117 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 19 वाले भी हैं, तो उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, देखो कमी है सिर्फ वो
3 घंटे के अंदर जो उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए खुद, अगर वो बिल्कुल एक क्वेश्चन थोड़े से अगर बी पार्ट का ये, ए पार्ट का ये, सी पार्ट का अगर कर देते तो उनका सिलेक्शन हो जाना था। बिल्कुल तो चीज खुद पे विश्वास रखो और चिल होके जाओ बस। चलिए सचिन, आपकी ये बातें बहुत इंस्पिरेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो ये स्टोरी है उसको सुनकर, आपकी जो ये कहानी है उसको सुन के बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, और ये बिल्कुल आया होगा कि एग्जाम में हार नहीं माननी है। भले ही आप 71st क्वेश्चन पे हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन बचे हुए। तो वो मेरे को शाहरुख खान की वो मूवी का डायलॉग याद आ गया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बस वही बिल्कुल वाला मैम, है। सो सचिन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, उसमें आप जरूर बहुत बहुत कामयाबी हासिल करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सचिन। थैंक यू मैम।